हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम रसोई फ्लेवर्स में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट, जिसमें हम बहुत ही डिफरेंट प्रकार के वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है, उसमें हम एक फाइनली चॉप अनियन डाल देंगे यानी कि प्याज, और इसको 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पका लेंगे। अब हम इसमें आधा कप फाइनली चॉप्ड कैरेट्स यानी गाजर डालेंगे और 1 कप ग्रीन पीस यानी कि मटर डालेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसको हम थोड़ी देर पका लेते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1 कप बीट रूट डालेंगे, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है इसका, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 10% जैसे पानी निकाल लिया है, ताकि जब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए और ये बाइंडिंग में प्रॉब्लम ना करें। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून चाट मसाला, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ब्रेड क्रम्स और इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स इसमें जितना भी पानी होगा उसको सोख लेगा। इसमें 3 से 4 हम उबले हुए पटेटोज डालेंगे यानी कि आलू, जिसको मैश कर लिया है, और इसको अच्छी तरह से हम वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, जिसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, और इसको पानी की मदद से हम एक अच्छी सी स्लरी रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी डाल सकते हैं। तो इसकी हमें एक स्लरी रेडी करनी है, जो कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की होगी, ना ही बहुत थिक और ना ही बहुत पतली। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्लरी रेडी होनी चाहिए। अब हम एक पोर्शन लेंगे हमारे मिक्सचर का, जिसको हम राउंड शेप दे देंगे और उसको हम ब्रेड क्रम्स में कवर कर लेंगे। और अब हम इसको कुकी कटर की मदद से एक राउंड शेप में कट कर लेंगे। आपके पास जिस भी शेप का कुकी कटर हो आप यूज़ कर सकते हैं, हार्ट, डायमंड, जैसे भी आपको शेप चाहिए वैसा आप शेप बना लीजिए। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारा कटलेट रेडी हो गया है। अब हम वापस इसको ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेंगे और स्लरी में डिप कर लेंगे। और इसको हम एक बार फिर से ब्रेड क्रम्ब्स में कवर करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो कटलेट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो एक अच्छी तरह से हमें इसको ब्रेड क्रम्स में अब कोट कर लेना है। और अब हम इसको मीडियम हीट पे शैलो फ्राई करेंगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए एक साइड से, तो आप इसको फ्लिप कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उस पर। और अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे वेजिटेबल कटलेट रेडी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं, वेजीज से भरे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होम रसोई फ्लेवर्स। बाय बाय।